नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है गोलू बस। इस चैनल पर आपको मिलती हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल वीडियोस। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंडियन ज्योग्राफी पर, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे नेटवर्क, पोर्ट्स एंड नेशनल हाईवेज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेलवे नेटवर्क, जिसमें सबसे पहले आता है कि फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन इंडिया में 16 अप्रैल 1853 को स्टार्ट हुई। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो स्टार्ट हुई थी 1929 में महाराष्ट्र में, और इस ट्रेन का नाम था डेकन क्वीन। इन 1952 थ्री मेजर जोन नेशनलाइज्ड, जिनमें पहला नदन जोन, जो कि काफ़ी बड़ा, सबसे बड़ा नदन जोन है जिसमें सबसे ज़्यादा क्राउड है, और इसका हेडक्वार्टर अलाहाबाद में मौजूद है। वेस्टर्न जोन, सदर्न जोन। 1952 के 5 साल बाद यानी 1957 में ईस्टर्न जोन नेशनलाइज किया गया। इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है इसमें 1 करोड़ एम्प्लॉय। डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, जी हाँ, जैसे आप मैप में देख रहे होंगे, आसाम से होती हुई तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक इसका रूट है, और पॉपुलर भारत के लोकोमोटिव इंजन जो रेलवे के होते हैं वो यहाँ डेवलप किए जाते हैं। कोचेस डेवलप्ड एट कपूरथला पंजाब। इंडियन रेलवेज में जितनी भी ट्रेन हैं उनके जो कोच होते हैं वो कपूरथला में डेवलप किए जाते हैं। अब बात करते हैं पोर्ट्स की, इंडियन कोस्टल जो पोर्ट होते हैं और एयरपोर्ट्स। सबसे पहले बात करेंगे पोर्ट्स की, इम्पोर्टेंट पोर्ट्स जो इंडिया में मौजूद हैं। सबसे पहले आता है कोची पोर्ट, जो कि स्थित है केरला में। इसके बाद आता है तूतीकोरिन पोर्ट, जो मौजूद है तमिलनाडु में। एक बात आप ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पोर्ट है। पहला तूतीकोरिन हो गया, इसके बाद आता है चेन्नई पोर्ट, ये भी तमिलनाडु में है। एनोर पोर्ट, और ये भी तमिलनाडु में है। लास्ट में किस्ना पट्टनम पोर्ट, चौथा पोर्ट है जो तमिलनाडु में ही स्थित है। इसके बाद आता है पोर्ट ब्लेयर, और ये है अंडमान एंड निकोबार। पारादीप पोर्ट, ये उड़ीसा में मौजूद है। विशाखापट्टनम पोर्ट, और इस पोर्ट में शिप बिल्डिंग की जाती है। इंडिया की जो बड़ी बड़ी शिप होती हैं उनके निर्माण का कार्य इसी पोर्ट में किया जाता है, जो कि होता है आंध्र प्रदेश शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन के अंडर में, और ये आंध्र प्रदेश। बांकुला, जो कि इंडिया का हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट है, जो कि मौजूद है लेह लद्दाख में। अब बात करते हैं नेशनल हाईवेज की, इंडिया के इम्पॉर्टेंट नेशनल हाईवेज। इनमें सबसे पहले आ जाता है NH1, नेशनल हाईवे 1, और ये इसका जो रूट है वो है न्यू दिल्ली टू अम्बाला, अम्बाला टू जलंधर एंड अमृतसर। न्यू दिल्ली से शुरू होता है और अमृतसर तक जाता है। इसी तरह NH2, इसका रूट जो है वो न्यू दिल्ली से कोलकाता तक का है, न्यू दिल्ली से मथुरा होते हुए आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, इन सभी प्लेस से जोड़ता है और कोलकाता तक पहुंचता है। ग्रैंड ट्रंक रोड, जी हाँ, जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे, ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि NH1 प्लस NH2 का ही हिस्सा है और आगे पाकिस्तान तक जाती है,
इंडिया में इसे NH1 और NH2 को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। NH3 जी, जैसे कि आप मैप में देख रहे होंगे, आगरा टू मुंबई। NH4 ठाणे टू चेन्नई। NH7 एंड ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, वाराणसी टू कन्याकुमारी। NH8 दिल्ली टू मुंबई। NH10 और ये जाता है दिल्ली से फजिलका, जो कि पंजाब में मौजूद है। NH47 स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, 6 किलोमीटर, एंड ये लोकेट, इसका जो लोकेशन है वो केरला में है, केरला में स्थित है NH47A। बात करते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज। ये इसकी लंबाई जो है टोटल वो है 5,846 किलोमीटर और गोल्डन क्वाड्रिलेटर यानी स्वर्णिम चतुर्भुज इंडिया के 4 बड़े शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अभी तक हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें पहला था इंडियन ज्योग्राफी और आज जो हमारा टॉपिक था वो था रेलवे नेटवर्क, पोर्ट्स एंड नेशनल हाईवे। तो इन लेक्चर्स में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाएंगे, केवल SSC एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिस्क्राइब किया गया है पूरा लेक्चर। इसमें इससे बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि UPSC और सिविल सर्विसेज की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी डीप नॉलेज होना चाहिए। और इन लेक्चर्स के लिए हमारा जो मेन फोकस है वो SSC CGL, SSC CHSL जैसे एग्ज़ाम्स को लेकर है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड वॉल्केनो। मैं उम्मीद करता हूँ गोलू बस की तरफ से दिए गए वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आगे की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।